तो यार हम लोग ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश कर रहे होते हैं और अपन का पूरा टीम उतरता है ब्लू जोन में। अब नेक्स्ट्रा का मैप और ब्लू जोन उतरने के बावजूद और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं, क्योंकि भाई इस वाले मैप में वैसे भी समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है, क्योंकि ये मैप उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, समझ में भी नहीं आता। उतरने के बाद क्या होता है कि अपन का दो बंदा पहले ही मर जाता है और अपन सिर्फ दो बंदे बचते हैं और मैं एक बंदा को मार भी देता हूँ, लेकिन यहाँ से निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए होते हैं और अगर इस समय एलिमिनेट होते हैं तो भाई आप लोगों को भी पता है कि शुरुआत में एलिमिनेट होना कितना मुश्किल है। अब मैं यहाँ आता हूँ तो मिलता मुझे यहाँ पे तीन बंदा, जो कि भाई यहाँ पे फर्स्ट एक को दिखता है जिसका मैं यहाँ पे गेम बजाता हूँ और आगे का भाई यहाँ से निकल पाते हैं कि नहीं वो तो आप लोग को वीडियो में देखने मिलेगा। इस जगह से बहुत मुश्किल से बच बचा कर निकलने के बाद अपन यहाँ से सीधे निकल जाते हैं दुकान के साइड, क्योंकि अपन का पूरा टीम रिवाइव करना है, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भाई फाइट ऐसे तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि भाई यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अपन पूरा टीम उठाते हैं, उसके बाद आते हैं इस जगह पर और यहीं पर होता है असली कांड, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर का स्क्वाड होता है जो कि भाई हम लोग का एक बंदा को यहाँ पर नॉक करने के बाद वो लोग क्या करता है कि उसको लोल दिखाने लगता है। उसके बाद होता है उन लोगों के बाद अगर हम लोग का उन लोगों का 4v4 फाइट एक बार नहीं दो दो बार, तो आप लोग देखो भाई बहुत मजा आने वाला है। तो है सामने वाले टीम का पूरा तीन बंदों को अपन मार चुके होते हैं, सिर्फ एक बंदा रहता है वो भी इन लोगों को फिर से रिवाइव करता है। अब फिर से रिवाइव होने के बाद ये लोग फिर से वहीं पर उतरता है, उसके बाद इन लोगों के साथ क्या करते हैं वो आप लोग खुद भी देख लो।